हेलो गाइस, आज का इस ब्लॉग में स्वागत है। आज हम लोग का बिहू है, जो हम लोग मूल बिहू बोलते हैं, मूल बिजू। इसलिए आज घूमने जा रहा हूँ, नहा धो के रेडी होके अभी मैं घूमने जा रहा हूँ। फिलहाल आप लोगों को मैं दिखा दूंगा बिहू में हम लोग क्या खाते हैं, जैसे कि अगर गोश्त आते हैं तो हम लोग क्या खिलाते हैं, और क्या क्या खाने को मिलता है, क्या क्या बनाते हैं घर पे, आज मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। अभी मैं निकल चुका हूँ घर से नहा धो के पूरा रेडी होके, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। और आगे क्योंकि वीडियो बहुत ही मस्त होने वाला है, आगे हम दिखा दूंगा घर के आगे में। हमारे घर से थोड़ा सा आते ही ये नाला देखने को मिलता है, फिलहाल देख सकते हैं, ये बहुत ही सफा है, पानी देख सकते हो आप लोग, पूरा सफा है देख सकते हो। अभी मैं इस नाला को पार हो रहा हूँ, कुछ इस तरह से दिखता है, थोड़ा रास्ता दिखता हूँ, गांव का रास्ता थोड़ा दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। फिलहाल ये मेरा दोस्त का ही तंबूल बागान है, बैतुलना, फिर ये देख सकते हो। फिलहाल अभी लगभग पहुँचने वाला हो गया हमें मेरा दोस्त का घर, ये देख सकते हो उसका घर। तो ये लोग बनाया कि नहीं, क्या बनाया, क्या क्या बनाया देखता हूँ। फिलहाल सत्कार जाता हूँ मैं घर का नीचे से। फाइनली मैं मेरा दोस्त का घर पे पहुंच गया हूँ। काफी गोश्त आए हुए हैं यहाँ पे देख सकते हो, और ये मेरा पापा भी हैं यहाँ पे जो सियार पे बैठे हुए, और ये मेरा बड़ा पापा फिलहाल बैठा हुआ सियार पे। तो मेरा दोस्त से मिलता हूँ एक बार, तो फिलहाल बैठा हुआ है सियार पे मेरा हैंडसम दोस्त, फोन देख रहा है फिलहाल। तो बिहू पे ये लोग क्या बनाया है, क्या क्या बनाया अभी देखता हूँ मैं, क्या क्या खाने को मिलता है आज। तो क्या क्या बनाया है बिहू पे फिलहाल, बड़ा मामी अभी बिहार एक तो निकल दिया है, यह है पाचन तोन, और ये क्या है आना बंगालो रे जान जा। और बड़ा पापा अभी चाय बना रहा है देख सकते हो गाइस, तो देख लीजिएगा कैसे बना रहा है। फिलहाल आग पे नहीं बना रहा है, अभी गर्मी है ना, गर्मी के कारण इसलिए अभी गैस पे बना रहा है। और ये साना, शायद साना है, ये भाजी किया है साना, या बॉयल किया हुआ है, तो मैं एक ट्राई करके देखता हूँ कैसा है। फिलहाल मुझे तो अभी पाचन तो खाने भी मन नहीं हो रहा, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा पाचन तो, बाद में खाऊंगा। ऑलरेडी गेस्ट आए हुए देख सकते हो, अभी मैं खा रहा हूँ बॉयल चना देख सकते हो गाइस, ये रहा मस्त है, काफी टेस्टी है। और मेरा फोन अभी चार्जिंग का, मैं फिलहाल अभी मैं चार्जिंग पे लगाता हूँ, बाद में बनाऊंगा वीडियो, अभी बाद में और घूमने जाऊंगा मैं, अभी के लिए चार्जिंग पे लगाता हूँ मेरा फोन। तो आंटी बुला रहा है मुझे, इसलिए मैं थोड़ा
रुक गया हूँ। फिलहाल भाजन थोन बनाया हुआ है शांति, तो देख सकते हो ये हम लोग का ट्रेडिशनल भाजन थोन है ये। और ये आंटी और ये अंकल फिलहाल खाना खा रहा है। भाजन थोन के साथ और ये मीट है। ये देखिए गाइस आंटी फिलहाल, मुझे तो लग रहा है बहुत ही टेस्टी होगा। वैसे भी टेस्टी भी होता है। कल भी आया था मैं यहाँ पे आंटी अंकल का घर पे, कल भी खाया था भाजन थोन, बहुत ही टेस्टी लगा। तो इसलिए मैं दावे से कह सकता हूँ आज भी बहुत ही टेस्टी होगा। आया हो तो थोड़ा सा टेस्ट करके जाता हूँ मैं। जहाँ भी जाओ जिसका घर पे भी जाओ, ये भाजन थोन तो मिलेगा ही मिलेगा व्यू पे। तो ऐसा दिखता है फिलहाल, बहुत ही टेस्टी होगा मुझे लग रहा है। ट्राई करके देखता हूँ। बहुत ही चौधरी आते हैं। और इस तरह का भी बिस्कुट बहुत मिलता है, हम लोग इसको इसको बोलते हैं बोरा पीदी। और ये पापड़ है, डिजाइन का पापड़। ये अंकल का बेटी फिलहाल डांसर है, बहुत डांस करता है। थोड़ा सा म्यूजिक बजाओ तो डांस करने लगता है, फ्यूचर में डांसर भी बन सकता है। अब कहा वो देखो कितना क्यूट से पानी मांग रहा है। सर मारा है बुक को, टेस्टी है ना सोदी। हो अंकल का घर, अभी अंकल का घर से मैं जा रहा हूँ भाजन थोन खाने के बाद। और मीट भी थोड़ा खाया था और बिस्कुट वगैरह, अभी मैं जा रहा हूँ। तो अभी रास्ते पे हूँ, थोड़ा सा दूर है नाना और नानी का घर। देख सकते हो गाय सारा तरफ तंबुल का पेड़ ही पेड़ है। बस्ती में हर किसी का तंबुल का पेड़ होता ही है, मतलब कि सबका होता है तंबुल का बगान, देख सकते हो।